नमस्कार ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में हम आपको मिलके 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार क्यूज देख लेते हैं कि किस तरह के हैं। तो गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 100 अंकों के आसपास का उछाल जो है वो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, और इसका कारण है यूएस के मार्केट्स। जम के खरीदारी यूएस के मार्केट्स में देखने मिली, चौथे दिन लगातार एक्शन देखने मिला। 565 अंकों के साथ डाउ जोन्स में अच्छे खासे क्लोजिंग देखने मिली, और रिकॉर्ड चार महीने के आसपास की जो सबसे बड़ी तेजी थी वो यहाँ पे देखी जा रही है। नैसडैक वहाँ पे देखे करीब करीब 2% के आसपास के गेंद जो है वो नैसडैक में भी देखे गए। चौतरफा खरीदारी वहाँ देखी गई है। रसल 2000 देखे करीब 2.25% के आसपास के गेंद थे। तो अक्रॉस यूएस जो है वो खरीदारी हुई है। वहाँ पे जो बॉन्ड यील्ड्स है उसमें गिरावट देखने मिली, तो संकेत जो है अचानक सुधरते हुए, कुछ खास ही ज़्यादा सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और कच्चा तेल नो डाउट गिरावट थमी है, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल लेवल्स पे है। और डॉलर इंडेक्स फिर से एक बार 106 के नीचे आ चुका है। तो हमारे लिए जितने भी संकेत नज़र आ रहे हैं सबके सब अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई डर की बात तो है नहीं आशीष। और ऊपर से टाटा मोटर्स के जो नंबर्स हैं उसमें JLR ने अपना मार्जिन भी बढ़ा दिया है, तो सोने पे सुहागा वो भी है। तो मेरे ख्याल से संकेत हर तरफ से एक ही है, और वो है खरीदारी के। और इसके लिए आज ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से बाय के जो कॉल्स है वो लेके हमें चलना चाहिए। हालांकि दिन के दौरान पता चलेगा कि इंडियन मार्केट में किस तरह की एक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि आज काफ़ी सारे नतीजे हैं और कल दिग्गज SBI के नतीजे आने वाले हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आने वाले हैं, तो काफ़ी सारे नतीजे कल भी आने वाले हैं, तो इनके बीच में हमें ट्रेड करना है। लेकिन फिलहाल अगर आप एशिया के भी संकेत देख लीजिए, वहाँ पे भी अच्छा खासा संकेत देखने मिला है, खासकर चाइनीज़ मार्केट में, क्योंकि जापान के मार्केट तो आज बंद है। बाकी अगर चाइनीज़ मार्केट अगर आप देखेंगे, हांगकॉन्ग शंघाई अगर आप देखेंगे, तो वहाँ से भी संकेत अच्छे हैं। तो चौतरफा अच्छे संकेत है, और इन अच्छे संकेतों के बीच में हमें करना है आज ट्रेडिंग। और साथ ही साथ आशीष, कल नज़र और आज जिसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं जी, इंडिया की जोरदार विक्ट्री, क्या मैच था। बैटिंग तो काफ़ी जोरदार थी ही, लेकिन बॉलिंग देखने लायक थी, अनप्लेएबल। श्रीलंका के बैट्समैन खेल ही नहीं पा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था बॉल जा कहाँ रही है। बाईस रन पे सात विकेट चले जाते हैं, और 55 रन पे अगर आप ऑल आउट हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से बैट्समैन की तो तारीफ है, साथ ही साथ बॉलर्स की काफ़ी तारीफ है। जिस तरीके से कल हराया है श्रीलंका को, और काफ़ी कम टाइम ऐसा होता है कि बॉलिंग को आप इतना एंजॉय करते हो कि सामने वाले बैट्समैन 17-18 बॉल तक एक रन नहीं बना पा रहे। रन तो छोड़िए, बैट करेक्ट नहीं कर पा रहे बॉल पे, इस तरह की बॉलिंग की गलती। शानदार प्रदर्शन यहाँ पर आपको देखने को, और इसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन। आप देखिए जर्सी में हम दिख रहे हैं, काफ़ी शानदार प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय टीम के साथ देखने को मिला। लेकिन आज की जो हमारी जो सेट ऑफ स्टॉक्स हैं, 20 स्टॉक्स हैं, इनमें से क्या कोई चुना है? बिकवाली वाले एक है, वो भी बिकवाली का इतना कन्विक्शन था नहीं, लेकिन एक ब्रोकर हाउस ने उसको डाउनग्रेड कर दिया है, इसके लिए बिकवाली किया। नहीं तो भी अगर उसमें भी देखेंगे ना, तो एक ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड किया है, एक ब्रोकरेज ने अपग्रेड किया, तो एक्चुअली वो बुल वर्सेस बेयर है। लेकिन जिस ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड किया है उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है, इसके लिए मैंने वहाँ पे बिकवाली की सलाह दी है। अदरवाइज तो चौतरफा खरीदारी के कॉल्स है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आशीष, हम बात कर रहे थे मैच की, अब संडे पे नजर होगी इंडिया अफ्रीका। अफ्रीका ने एक भी मैच नहीं है मेरे ख्याल से जहाँ पे 300 के नीचे रन बनाए हैं, 300 के ऊपर ही बनाते हैं, और हम लगातार जीतते जा रहे हैं। Exactly. तो वो जो मुकाबला होगा वो और भी बेहतर होगा, तो देखने लायक होगा कि वहाँ हम क्या करते हैं, हमारे बैट्समैन क्या करते हैं, हमारे बॉलर क्या करते हैं। कन्विक्शन पूरा है कि इंडिया वहाँ भी जीतेगा। लेट्स सी, अब पूरा का पूरा फोकस जो है वो अगले मैच पे फोकस अगले मैच पर है। लेकिन आज की जो फोकस लिस्ट है इसकी कर लेते हैं शुरुआत कैश की कैटेगरी के साथ। स्टॉक चुना है नतीजे वाला प्रताप स्नैक्स। ये स्टॉक मुझे याद आता है कि आपकी लिस्ट में काफी बार शामिल भी रहा है, आपकी पकड़ काफी गहरी है स्टॉक के ऊपर। अब नतीजे बहुत बेहतर नतीजे हो नहीं सकते, मुनाफा देखें तो 5 गुना बढ़ाए, और ऑपरेशन पैरामीटर्स पर अगर आप देखें तो जो कामकाजी मुनाफा है वो उसमें 72% की ग्रोथ आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिले, तो बेस्ट नतीजे हैं। खरीदारी करनी चाहिए 877 रुपये के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस लगाइए राउंड फिगर 850 रुपये का। डेफिनेटली, तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, और खासकर व्हील्स मेरे ख्याल से इनका आता है, और काफ़ी सारे और प्रोडक्ट्स भी आते हैं, व्हील शायद इनका नहीं है, लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट्स आते हैं येलो डायमंड इनका है, प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और खासकर इनको फायदा होता है वो पाम तेल में जो गिरावट होती है ना। अच्छा। वो इनको बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि बड़ा रॉ मटेरियल है, इसके पहले लगातार बढ़ते जा रहे थे उनके दाम, इनकी हालत ख़राब होती जा रही थी, और अब देखिए जैसे ही गिरावट शुरू हुई इनके नतीजे सुधरना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे प्रताप स्नैक्स में आप खरीदारी कीजिएगा, अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। मेरे तरफ से पहला स्टॉक है NBCC।
खरीदारी कीजिएगा लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 70 रुपए के लक्ष्य के खरीदारी करना है, 66 का स्टॉप लॉस रखना है। एक अच्छी खबर है और एक थोड़ी नेगेटिव खबर भी है। अच्छी खबर क्या है कि इस कंपनी की जो सब्सिडरी है उनको करीब 212 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि हरियाणा डायरेक्टरेट जनरल मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च से दोनों ऑर्डर जो है इस कंपनी की सब्सिडरी को मिले हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वो जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है उसके चलते जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में रोक लगाई जा रही है उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। देखिए कोई लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट तो देखने मिलेगा नहीं क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा, हो सकता है थोड़े दिन के लिए बंद हुआ हो, उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। इसके लिए दो खबरें हैं, उसके बीच में आपको ट्रेड करना है। आज मार्केट का मूड माहौल अच्छा है, इसके लिए जो पॉजिटिव खबर है उस पर मैंने ज़्यादा बेट किया है। 70 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 66 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में आपको रखना है। चलते हैं अगली कैटेगरी और यह है फ्यूचर्स की कैटेगरी और यहाँ पे कौन कौन खरीदारी करना है। 705 के लेवल के लिए 678 का स्टॉप लॉस रखेगा। इतने अच्छे नतीजे कॉनकॉर बहुत कम देता है और आज इस बार कंपनी ने नतीजे अच्छे दिए हैं। रेवेन्यू 10% बढ़ा है हमारे अनुमान से बेहतर। मार्जिन 25% पे आए हैं, हमारा अनुमान 21.5% का था, यानी कि वहाँ से 3.5% ज़्यादा मार्जिन जो है वो इस कंपनी ने क्लॉक किए हैं और कंपनी का मुनाफा 367 करोड़ पे आया है, 270 करोड़ का अनुमान था। तो एक टॉप डाउन बीट जो है इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि आज कॉनकॉर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल सकती है। 705 इस लेवल के लिए आप खरीदारी कीजिएगा, 678 के आसपास का आपको यहाँ पे रखना है स्टॉप लॉस। आशीष आप बताइए फ्यूचर्स में क्या लिया? फ्यूचर्स में लिया है मॉर्गन स्टैनली के कहने पर अपोलो हॉस्पिटल, इनकी रिपोर्ट आई है जहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी ओवरवेट की जो रेटिंग है इसे बरकरार रखा है। टारगेट अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया, करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिले क्योंकि 4927 के आसपास का भाव चल रहा है। इनका जो टारगेट है वो है करीब 6101 रुपये का, शानदार टारगेट है और अपने व्यू पर बरकरार है, लगातार रिट्रेट कर रहे हैं। तो इसके चलते एक फोकस रहेगा अपोलो हॉस्पिटल में, दिन के दौरान तेजी आ सकती है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो आखिरी एक घंटे में थोड़ी सी बाइंग भी यहाँ पर देखने को मिली है एंड बाजार का मूड माहौल तो काफ़ी शानदार है ही, तो इसी का फायदा मिलेगा अपोलो हॉस्पिटल्स को। खरीदारी करेंगे आप 5015 रुपये के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे 4888 रुपये का। अब बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर, तो ऑप्शंस के लिहाज से देखिए बैंकिंग स्टॉक्स पर फोकस रखना। आज हो सकता है कि बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से आपको काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिले और इनमें से एक स्टॉक रडार पर आ रहा है, कल के सत्र का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मर रहा है, इंडसइंड बैंक। जहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी समय से एक कंजेशन जोन के आसपास जो है स्टॉक अटका हुआ है, प्रयास कर रहा है कि ऊपर की तरफ निकले। कल के सत्र में भी प्रयास किया, थोड़ी सी फिर आखिरी घंटों में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन आज जिस प्रकार से मार्केट्स में तेज़ी की उम्मीद है हो सकता है कि आज फिर से दोबारा कल जो बैंकिंग स्टॉक्स में तेज़ी आई फॉलोअप मूव यहाँ पर देखने को मिले। तो ऐसे में हम ऑप्शंस के माध्यम से रणनीति बनाएंगे और क्योंकि हम एट द मनी ऑप्शन खरीद रहे हैं तो अगर हमें थोड़ा सा भी मूव मिला दिन के दौरान तो हमारे जो टारगेट हैं वो बड़ी आसानी से हासिल हो जाएंगे। तो आप करेंगे खरीदारी 1480 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है इंडसइंड बैंक की, इसमें आपको फोकस करके चलना है। टारगेट है मेरा 32 रुपये का, स्टॉप लॉस लगाना है 24 का। टेक्निकल्स अच्छे हैं, कंजेशन जोन से निकलने का प्रयास कर रहा है, बाइंग आ रही है, खरीदारी करनी चाहिए आपको इंडसइंड बैंक में। चलिए तो बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे तेजी देखने मिलेगी। एक बैंकिंग स्टॉक मेरे भी टीम में है वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ऑप्शंस में जो खरीदा है वो बता लेता हूँ और वो है टाटा मोटर्स। 640 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 30 रुपये के लक्ष्य के लिए 17 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस हो जाएगा। कंपनी के नतीजे जो है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर है, खासकर अगर आप रेवेन्यूज देखेंगे तो 32% बढ़ा है। एबिटा मार्जिन, एडजस्टेड मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 7.8% से बढ़ के 13% के आसपास आए हैं, 12.6% का अनुमान था, यानी कि मार्जिन पे एक बीट देखने मिला है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 3764 करोड़ के आसपास आया है, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, 3400 करोड़ के आसपास का अनुमान था। उससे भी बड़ी बात यह है कि JLR ने अपना जो मार्जिन का गाइडेंस है उसको बढ़ा दिया है, 6% से बढ़ा के अब 8% का कर दिया है। और JP Morgan ने अपना लक्ष्य इस काउंटर पर बढ़ा दिया है, 635 से बढ़ा के 680 का कर दिया। तो मल्टीपल ट्रिगर्स है जिसके कारण आज टाटा मोटर्स में आपको काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल सकती है। खरीदारी कीजिएगा 640 का कॉल ऑप्शन, 30 रुपये के लक्ष्य के लिए 70 रुपये का रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। पढ़ते हमारी अगली कैटेगरी जो कि है टेक्नोपिक, वरुण बताइए। टेक्निकल एक स्टॉक पसंद है वो है डिक्सन टेक, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेगा, 5490 के लेवल के लिए 5280 का स्टॉप लॉस रखना है। और पिछले कुछ दिनों से अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला है, कल भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में 3.75% के आसपास के गेंस देखने मिले थे। मुझे लगता है कि ये तेज़ी जो है आज भी जारी रह सकती है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा, प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफ़ी बेहतर देखने मिल रहा है, 5490 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 5280 का रखेगा स्टॉप लॉस। यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं, लेकिन कल का जो स्टॉक आपने बताया था
ग्लोबल हेल्थ का कल भी शायद 2.25% की तेजी के साथ क्लोजिंग के समय बंद हुआ है। अच्छे मूव यहाँ पर देखने को मिले, बढ़िया स्टॉक है। फिलहाल मेरी तरफ से है रेडिको खेतान, जहाँ पर कल 5% की तेजी के साथ स्टॉक में दिखा है ब्रेकआउट। एक्सेप्शनल स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ नजर आती है, लगातार खरीदारी है और बाजार में अगर आप देखें तो किसी भी प्रकार के मूव हो इस स्टॉक के अंदर खरीदारी का ही रुझान देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं मान रहा हूँ कि आपको 1320 रुपये के लक्ष्य खरीदारी करनी चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको 1260 रुपये का। लेकिन ये स्टॉक का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी जगह दे सकते हैं, तो आगे जाकर इसको लंबी अवधि के लिहाज से भी अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे। लेकिन फिलहाल टेक्नोपिक है 1320 रुपये के टारगेट के लिए, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। अब बात करते हैं फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से तिलक नगर के रिजल्ट आए और बहुत ही शानदार रिजल्ट हो, जिससे अगर आप देखें पिछले 1.5 साल में जिस प्रकार का बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है, ये भी लिकर स्पेस की कंपनी है, काफ़ी शानदार। अब देखिए कंपनी के जो नतीजे हैं वो आपको बता देता हूँ। मुनाफा जो है कामकाजी मुनाफा वो 50% बढ़ा है पिछले साल इसी तिमाही के दौरान कंपेयर करके देखेंगे, और टोटल मुनाफे में अगर आप देखें तो 2.5 गुना से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर आपको दिखी है, 2.6 टाइम्स प्रिसाइजली आपको बता रहा हूँ। बड़ी ग्रोथ है, अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर खरीदारी आपको करनी चाहिए 230 रुपये के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 205 रुपये का। तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बेहतरीन नतीजे आए हैं तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ खरीदारी करना है। और एक कंपनी है जिसके अच्छे नतीजे आए हैं और वो है गुजरात गैस। इसके लिए मैंने फंडामेंटल पिक आज गुजरात गैस को लिया है। खरीदारी कीजिएगा 425 के लेवल के लिए, 400 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के रेवेन्यू से 1.7% बढ़े हैं, लेकिन एबिटा परफॉर्मेंस देखिए, मार्जिन परफॉर्मेंस देखिए, 28% बढ़ा है एबिटा, मार्जिन 10.3% से बढ़कर करीब करीब 13% के आसपास आए हैं, जबकि मार्जिन यहाँ पे गिरने का अनुमान था, फिर 10% आने का अनुमान था। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 298 करोड़ पे आया है, 230 करोड़ का अनुमान था, तो हर पैमाने पे गुजरात गैस के नतीजे अच्छे हैं, उसके चलते आज आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। वैसे भी बाकी अगर आप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को देखेंगे तो उनके मार्जिन में गिरावट देखने मिली है, जबकि इस कंपनी के मार्जिन में बढ़ोतरी देखने मिली है, तो ये चीज़ काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि गुजरात गैस में आज खरीदारी करके चल सकते हैं। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है हमारा वर्ल्ड कप स्टॉक, और आज का मेरा वर्ल्ड कप स्टॉक एक बैंकिंग स्टॉक है। आशीष आपने इंडसइंड बैंक दिया, मेरे तरफ से HDFC बैंक, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 1650 के लेवल, अगले 4 से 5 महीने में काउंट आपको दिखा सकता है। देखिए सबसे बड़ा कारण इसको लेने का ये है कि ये स्टॉक जो है ओवरसोल्ड हो चुका है, अब यहाँ से गिरने की ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। आपको याद होगा जब इस कंपनी के नतीजे भी आए थे और जितने भी कुछ अपडेट इस कंपनी के आए हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने एक बात की थी, मुझे याद है विकास सेठी साहब है, बाकी एक्सपर्ट्स भी है, ये कह रहे थे कि अगर 1400 के आसपास ये आता है ना, तो ये काउंटर है ना खरीदारी के अच्छे मौके बन जाते हैं, फिर आपको इस स्टॉक में खरीदारी करना है। और आप देखिए उन लेवल से ही इस स्टॉक में अब अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से रिकवरी जो है आगे और चलेगी और अच्छे खासे लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 1650 के लेवल आपको 4 महीने में देखने मिलेंगे। आज अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आज के लिए भी 1-2% के आसपास की तेज़ी आपको देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का ADR अगर आप देखेंगे तो कल ओवरनाइट वहाँ पे 2.25% के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने मिली है। तो अब वक्त आ चुका है कि HDFC बैंक को अपने पोर्टफोलियो में रखेगा, यहाँ से आपको करीब करीब 200 रुपये के आसपास, 225 रुपये के आसपास के अपसाइड जो है वो आराम से HDFC बैंक दिखा सकता है। पोर्टफोलियो में रखेगा इस स्टॉक को, पोर्टफोलियो में जगह देनी है, बेहतरीन लेवल आ गए हैं, सही समय आ गया है स्टॉक के अंदर खरीदारी करने का। अब मेरी तरफ से है वर्ल्ड कप पिक, और वर्ल्ड कप पिक के लिहाज से स्टॉक पसंद आ रहा है टेगा इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और इनफैक्ट इस शो के दौरान पहली बार ये स्टॉक ऐसा होगा जो रडार पर आया है, थोड़े समय पहले की लिस्टिंग है, इतनी भी रीसेंट नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले लिस्ट हुआ है, और यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैसे कल के सत्र में मैंने आपके साथ शेयर किया था सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, और कल के सत्र में अगर आप देखें तो चार्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, 9% की तेज़ी के साथ सिग्निटी बंद हुआ है, शानदार तेज़ी, और ऐसा नहीं कि 9% गैप अप ओपनिंग हो गया, दिन के दौरान धीरे धीरे बड़े मूव आए और करीब करीब मेरा जो टारगेट था 1150 का, उससे केवल 10 रुपये दूर रह गया, 1140 के आसपास की जो है क्लोजिंग देखने को मिली। सिग्निटी टेक का चार्ट एक बार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं, यहाँ पर आपको किस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन तब तक के लिए अगर आप देखें तो टेगा इंडस्ट्रीज ये स्टॉक ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर अगर आप देखें तो 800 दिखे, चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया 9% के शानदार तेज़ी के साथ, 1121 रुपये पर क्लोजिंग देखने को मिली, 1140 के करीब का हाई है, 1150 रुपये का टारगेट दिया, एक ही दिन में बड़े लक्ष्य यहाँ पर हासिल होते नजर आए हैं। अब टेगा इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो 845 के आसपास निचला स्तर बनाने के बाद स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो लगातार तेजी यहां पर देखने को मिली है, और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो औसत से अधिक वॉल्यूम के साथ स्टॉक में खरीदारी हो रही है, जो कि बता रहा है
कि बड़े स्ट्रॉन्ग हैंड जो है इस स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि रिटेल ऐसा नहीं है कि आपको एवरेज से वॉल्यूम लगातार काफ़ी दिनों तक यहाँ पर खरीदारी दिखा सके। तो कुछ फंड्स की भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बाइंग हो रही है टेक्निकल स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो स्टॉप लॉस लगाएगी 960 रुपये का और टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 1012 रुपये के। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर जो कि है निवेश की। तो निवेश के लिहाज से एक और माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो रिडार पर आई है। कल के सत्र में आपको क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बताया था, आज है सैटिन क्रेडिट केयर। मेरी तरफ से 300 रुपये का टारगेट है, 225 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस और यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। एक बार 300 पार कर गया तो रिव्यू भी करके देखेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस प्लेस में रख लेते हैं 225 का टारगेट, यहाँ पर बेहतर आएंगे। तो माइक्रो फाइनेंस ऐसा थीम जो है वो काफ़ी बेहतरीन चल रही है और यहाँ पे तमाम माइक्रो फाइनेंस काउंटर्स जो है वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। कल क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण था, आज सैटिन क्रेडिट का, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मेरी तरफ से निवेश का स्टॉक है वी गार्ड, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 350 के आसपास के लेवल जो है अगले 8 महीने में आपको देखने मिल सकता है। आपको याद होगा सनस्लिम का एक्विजिशन जो है वो इस कंपनी ने किया था, अब उसका इम्पैक्ट जो है आपको देखने मिलेगा आने वाले दिनों में। साथ ही साथ फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, नो डाउट ये प्रीमियम कमांड करता है अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, लेकिन फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखेंगे तो अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। विस्तार ये कंपनी कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, उसका बड़ा फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा और काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर भी है, ये दिवाली पिक के तौर पर भी उन्होंने दिया है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक को आप रडार पर रखेगा, अच्छे लेवल्स अगले 8 महीने में दिखा सकता है। 350 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे एक मात्र आज का सेल कॉल है और वो है बर्जर पेंट्स पे। फ्यूचर में आपको बिकवाली करना है, 535 के लेवल के लिए 558 का स्टॉप लॉस रखना है। अब इस काउंटर को लेकर दो रिपोर्ट आई है, एक आई है मॉर्गन स्टैनली की जो कि डाउनग्रेड कर रहे हैं इस काउंटर को, इक्वल वेट से अंडर वेट का कॉल दे रहे हैं। 546 से टारगेट घटा के 479 का कर दिया है। नो डाउट एचएसबीसी की दूसरी रिपोर्ट है जो यहाँ पे प्राइस टारगेट बढ़ा रहे हैं इस काउंटर पे, लेकिन मेरा कन्विक्शन ज़्यादा मॉर्गन स्टैनली के साथ में है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैक्वेरी को देखेंगे तो वो भी मेंटेन सेल कर रहे हैं और उन्होंने अपना प्राइस टारगेट जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो हो सकता है कि आज बर्जर पेंट्स में आपको यहाँ पे गिरावट देखने मिले, लेकिन याद रखेगा साथ ही साथ HSBC की टारगेट बढ़ाने वाली रिपोर्ट भी आई है। इसके लिए 535 के लेवल के लिए बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन 558 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रखेगा। स्टॉप लॉस के साथ फोकस यहाँ पर करके चलना चाहिए। अब तो लिमिटेड है मेरी तरफ से खबरों का स्टॉक, जहाँ पर अगर आप देखें तो 7 नवंबर को बोर्ड की बैठक होगी जहाँ पर बायबैक पर विचार किया जाएगा। स्टॉक अगर आप देखें तो टेक्निकल्स बड़े खतरनाक है, 11,000 रुपये का 1,000 रुपये के आसपास आ गया, लगभग पाताल में ही FNO का चार्ट अगर आप देखेंगे। लेकिन तो थोड़ा सा कॉशियसली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। खबर के लिहाज से 6,100 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस और 6,400 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर दोनों स्टॉक आखिरी नतीजों के आधार पर चुने। पहला है तत्व चिंतन फार्मा, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, 1455 का टारगेट है, 1430 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। आई में अगर आप देखें तो 7% की बढ़त देखने को मिली है और जो मार्जिन है वो 12% से बढ़कर 21% के हो गए हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट आएगा। और आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में रत्नमणि मेटल, और ये स्टॉक ऐसा है जिसके एक्सेप्शनल चार्ट्स हैं। सभी मेटल कंपनीज में बाकी कंपनीज की तुलना में अगर आप देखें तो चार्ट्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं और प्रदर्शन भी काफ़ी बढ़िया है। जो कंपनी का मुनाफा पिछले साल 99 करोड़ के आसपास था, इस बार इस्तेमाई के दौरान 164 करोड़ का शानदार आंकड़ा रिपोर्ट किया है। मार्जिन में भी अगर आप देखें तो 16% से बढ़कर 22% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। तो खरीदारी करेंगे 2900 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे 2800 रुपए का। चलिए माय चॉइस में मेरे तरफ से दोनों के दोनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले जेके लक्ष्मी सीमेंट, खरीदारी कीजिएगा 695 के लेवल के लिए, 667 का आपका स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं जहाँ पे आय में 12% की बढ़ोतरी, मार्जिन 11% से बढ़कर 12.5% पे आए हैं और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो करीब 40-41% के आसपास की बढ़ोतरी है। उसके चलते जेके लक्ष्मी सीमेंट में तेजी हो सकती है, खरीदारी करके चलेगा इस स्टॉक में। और आखिरी स्टॉक है हिंडाल्को, 486 के लेवल के खरीदारी करना है, 470 का स्टॉप लॉस रखना है। हो सकता है कि मेटल स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिले, बेस मेटल्स में तेजी है, डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा हुआ है, दुनिया भर के मेटल स्टॉक्स तेजी में थे, एल्कोवा 4-4.5% के आसपास की तेजी में था। इसके चलते आज हो सकता है कि हिंडाल्को में आपको तेजी देखने मिले, खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर में। चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक के मिस में हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी, इंडसइंड बैंक यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, रेडिको खेतान है टेक्नोपिक और तिलक नगर में हुआ है बड़ा टर्न अराउंड, वर्ल्ड कप पिक है मेरी तरफ से टेगा इंडस्ट्रीज, निवेश के लिहाज से खरीदना है सैटिन क्रेडिट कर। अब में खबरों का असर देखने को मिलेगा, तत्व चिंतन और रत्नमणि नतीजों के चलते यहाँ पर आएगी तेजी। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेगा इंडस्ट्रीज, शानदार टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 1012
12 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश में खरीदारी करना है एनबीसीसी में, खबरों के चलते तेजी हो सकती है, अच्छे नतीजे आए हैं कॉनकॉर और टाटा मोटर्स की खरीदारी कीजिएगा। टेक्निकली डिक्सन टेक अच्छा लगता है, फंडामेंटली गुजरात गैस के नंबर्स आए हैं, खरीदारी कीजिएगा। वर्ल्ड कप स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, निवेश करना है वी गार्ड में 350 के लेवल के, खबरों के दम पे बज अपडेट्स में बिकवाली कीजिएगा। मॉर्गन स्टैनली का डाउनग्रेड आया, स्टॉक में गिरावट हो सकती है। माय चॉइस में जेके लक्ष्मी सीमेंट, अच्छे नतीजे तेजी कीजिएगा। और हिंडाल्को में तेजी हो सकती है क्योंकि दुनिया भर के मेटल स्टॉक्स में तेजी हुई है। और आज का बेस्ट पिक है टाटा मोटर्स, खरीदारी करना है, नतीजे अच्छे आए हैं, जेएलआर ने अपना मार्जिन गाइडेंस बढ़ाया, साथ ही साथ जेपी मॉर्गन ने टारगेट बढ़ाया है, 640 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 30 रुपए के लक्ष्य के लिए 70 रुपए का रखिएगा स्टॉप लॉस। चलिए तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए क्या खरीदना है क्या बेचना है, लेकिन एक बार जाते जाते गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं कि किस तरह की ट्रेडिंग वहां पे देखने मिल रही है। अब अगर आप देखेंगे तो करीब 107 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो गिफ्ट निफ्टी में देखने मिल रही है। हमने जब शो शुरू किया था तो भी इसके आसपास की तेजी जो है वहां पे देखी जा रही थी, तो यहां से संकेत अभी भी अच्छे हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैसडैक फ्यूचर्स, यहां पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि किस तरह की ट्रेडिंग यहां पे देखी जा रही है। तो डाउ फ्यूचर्स को आप देखेंगे तो यहां पे हरे निशान में डाउ फ्यूचर्स है, लेकिन नैसडैक फ्यूचर्स देखिए करीब 30-40 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। अब नैसडैक फ्यूचर में गिरावट क्यों ये भी आपको बता देता हूँ। वैसे भी अगर आप देखें तो एप्पल का शेयर मेरे ख्याल से आशीष आफ्टर मार्केट्स वहाँ पे गिरावट देखने मिली है, क्योंकि शायद नतीजे एप्पल में आए हैं और उसका इम्पैक्ट शायद जो है आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आईटी काउंटर्स पे देखने मिल रहा है। इसके लिए हमारी टीम में भी आज कोई आईटी काउंटर है नहीं, क्योंकि एप्पल ने थोड़ा बहुत डरा दिया है। हालांकि इसका इम्पैक्ट हमारे रेडिंगटन पे वैसे देखने मिलता है, लेकिन रेडिंगटन जो है वो एफएनओ में है नहीं, इसके लिए हम ले नहीं सकते, लेकिन हाँ शायद उसी का इम्पैक्ट जो है आपको थोड़ा बहुत नैसडैक में देखने मिल रहा है। तो आईटी काउंटर से थोड़े सतर्क रहिएगा, लेकिन डाउ फ्यूचर्स वहाँ अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी अभी भी बरकरार है, और कल का जो स्पिलओवर इफेक्ट है वो आज आपको हमारे बाजारों में साफ देखने मिलेगा। तो संकेत अच्छे हैं वैसे तो, उसमें कोई डरने की बात है नहीं। लेट्स सी हमारे मार्केट्स किसके ऊपर ट्रेड करते हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ भी जितने भी नतीजे आए हैं, भले वो कॉनकॉर हो, भले वो गुजरात गैस हो, भले वो टाटा मोटर्स हो, सबके सब ने पॉजिटिव सरप्राइज हमें दिया है। तो इन पॉजिटिव सरप्राइजेस के बीच में और साथ ही साथ अच्छे ग्लोबल क्यूज के बीच में हमारे मार्केट में ट्रेड कैसे करना है ये तो आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ कल का एक लाइव एक्सपीरियंस भी अनिल सर बताएंगे। मेरे ख्याल से वानखेड़े स्टेडियम गए थे अनिल सर मैच देखने के लिए, और क्या गजब का मैच था कल का। तो चलिए ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। अनिल सर तो थोड़ी देर में जुड़ेंगे, फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। इससे बढ़िया फ्राइडे मूड हो नहीं सकता है, जहां जबरदस्त एक्शन क्रिकेट पिच पर दिख रहा है उतना ही जबरदस्त एक्शन बाजार के पिच पर भी आपको दिख रहा है। बढ़िया छलांग यूएस ने लगाई है, हमारे बाजारों में कैसा रिएक्शन आ सकता है, नई वीकली एक्सपायरी भी शुरू हो रही है, वहां का भी एक्शन आपको पूरा बताएंगे।